क्या आपके घर के पास सीवेज वेस्ट वाटर जमा है और जिसकी वजह से आप परेशान है फाउल स्मेल से, गंदगी से और मच्छरों से भी? तो ये वीडियो आप सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सभी को सोक पिट के बारे में, जिसको हम सीपेज पिट भी कहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। सबसे पहले समझते हैं सोक पिट क्या होता है। सोक पिट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक टैंक बनाया जाता है ग्राउंड लेवल के नीचे, जिसमें फिल्ट्रेशन बेड दिया जाता है एग्रीगेट्स का, स्टोन्स का, ब्रिक ब्लास्ट का, जिससे घरों से निकला हुआ वेस्ट वाटर सोक पिट से फिल्टर होके ग्राउंड वाटर लेवल में चला जाता है और फिर उस वाटर को बोर हैंडपंप्स के द्वारा रीयूज किया जाता है। अब जानते हैं सोक पिट किस कंडीशन में बनाया जाता है। घर से निकलने वाले गंदे पानी नालियों से होके फिल्टर होते हुए नदियों में जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह अंडर डेवलप्ड एरिया जहां पे कुछ ही घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, वहां पे नगर निगम के द्वारा सीवर लाइन नहीं बिछाया गया होगा, तो सीवेज का पानी को घर में ही सोक पिट से फिल्टर कर ग्राउंड वाटर में ले जाना होगा। अगर सोक पिट ना बनाया जाए और डायरेक्ट पानी बहाया जाए तो वाटर लॉक की कंडीशन होगी, फाउल स्मेल आएगा, गंदगी होगी, मच्छर पनपेंगे और सारी बीमारियां घर करेगी। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे वाटर लॉक की सिचुएशन देखने को मिलती है। एक फेमस एरिया है, आप सभी ने सुना ही होगा, मुंबई शहर का धारावी स्लम एरिया, जहाँ पे सीवेज पानी के निकासी के लिए अरेंजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जल्द ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सोक पिट के बारे में। सबसे पहला ब्रिक वॉल सोक पिट, ग्राउंड लेवल के नीचे एक्सकेवेशन किया जाता है और अकॉर्डिंग टू IS कोड 2470 पार्ट 2 1985 सीपेज पिट और सोक पिट कोई भी शेप का बना सकते हैं। जनरली सिलेंड्रिकल या फिर क्यूबॉइडल शेप को देखने को मिलता है, जिसका लीस्ट डायमेंशन 0.9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए डेप्थ में बिलो द इनवर्ट लेवल ऑफ द इनलेट पाइप। सो ब्रिक वॉल सोक पिट को हनीकॉम ब्रिक मटेरियल से बनाया जाता है। हनीकॉम ब्रिक मटेरियल के बारे में बताना चाहूंगा, ऐसा ब्रिक्स जिसमें गैप्स होते हैं, एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, उस गैप से फिल्टर पानी निकलता है और ग्राउंड वाटर बेड में चला जाता है। नेक्स्ट टाइप है प्रीकास्ट सोक पिट। नाम से ही समझ में आ रहा है, पहले से तैयार करके पिट के अंदर डाला जाता है। प्रीकास्ट जनरली कंक्रीट मटेरियल का बनाया होता है, जिसके वर्टिकल साइड्स में होल्स होते हैं और बेस पैक होता है और टॉप पोर्शन में भी होल किया जाता है इनलेट के लिए, और इनलेट चाहे तो सेप्टिक टैंक के आउटलेट से ले सकते हैं या फिर नालियों से अटैच करके ले सकते हैं। और टैंक के बाहर रखा जाता है फिल्ट्रेशन बेड, जिसमें बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, ब्रिक्स के टुकड़े रखे जाते हैं, जिससे पानी फिल्टर होके ग्राउंड वाटर बेड में चला जाता है। प्रीकास्ट सोक पिट के अल्टरनेटिव में आप चाहे तो प्लास्टिक के टैंक भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक ड्रम। अब नेक्स्ट बात करते हैं विद सेप्टिक टैंक एक्स्ट्रा चैम्बर, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सेप्टिक टैंक के साथ ही एक एक्स्ट्रा चैम्बर बनाया जाता है। इस टैंक का यूज अभी शुरू ही हुआ है। सेप्टिक टैंक के तरफ के वॉल में ही 5 से 6 इंचेस के बहुत सारे होल्स किए जाते हैं, जिसे वेस्ट वाटर सोक पिट चैम्बर में ही एंटर कर सके और फिल्टर होते हुए ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाए। इंजीनियर्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको डिटेल बताया है सेप्टिक टैंक के बारे में, तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं सोक पिट के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और इंस्टॉलेशन के बारे में। सोक पिट बनाने के लिए सबसे पहले एक्सकेवेशन करना होगा। एक्सकेवेशन का साइज डिपेंड करेगा परकोलेशन रेट पे, कि कितना टाइम में वाटर फिल्टर होके ग्राउंड में एब्जॉर्ब होता है, और ये डिपेंड करेगा सॉइल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे। अगर परकोलेशन रेट एक्सीड करेगा 30 मिनट्स से तो सॉइल इज अनसुटेबल फॉर सोक अवे, और अगर परकोलेशन रेट एक्सीड करेगा 60 मिनट से तो सॉइल इज अनसुटेबल फॉर एनी सॉइल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ध्यान रहे इस बात का। एक्सकेवेशन करने के बाद टैंक तैयार किया जाता है आइदर प्रीकास्टेड और ब्रिक से। इस तरह टैंक को बनाया जाता है कि पानी को बाहर निकालने के लिए जगह हो, और फिर फिल्ट्रेशन बेड लगाया जाता है। अगर ब्रिक से बनाया जा रहा है टैंक, तो टैंक के अंदर ही फिल्ट्रेशन बेड, जिसमें स्टोन्स, एग्रीगेट्स, ब्रिक बैट्स यूज करते हुए सेटअप बनाया जाएगा। और अगर प्रीकास्ट टैंक
यूज किया जा रहा है तो टैंक के बाहर 2 फीट चारों तरफ से फिल्ट्रेशन बेड लगाया जाएगा और टैंक में पीवीसी पाइप के थ्रू इनलेट से वेस्ट वाटर एंटर करेगा और टैंक में वर्टिकल पोर्शन में जो होल्स है चारों तरफ से वहां से वेस्ट वाटर बाहर निकलते हुए फिल्टर होके चारों तरफ से ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोक पिट की कंडीशन आपके एरिया में अप्लाई करने की जरूरत होगी तो जरूर बनाएं, जिसका रिजल्ट होगा कि वेस्ट वाटर लॉकिंग कंडीशन नहीं होगा और गंदा पानी जमा ना होने से हम अपने आप को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। ये तरह सोक पिट की बातें, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मास्टरी करते हुए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करना तो आपको बहुत सारी चीज सीखनी होगी और सिखाने के लिए सिविल गुरुजी हमेशा आपके साथ है। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसमें आप सीखते हैं सारे टेक्निकल प्रैक्टिकल स्किल्स जिससे सिविल इंजीनियर्स अपने करियर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है, जिसके लिए आपको कॉल करना होगा 9111001234 पे। ऑफर में बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल होगा, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए अभी कॉल करें और कोर्स का बेनिफिट लें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।